गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी नौजवान वे हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया आज मेवात की राजधानी कही जाने वाली बड़कली चौक पर जेजेपी जिला कार्यालय पहुंचे और पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद ने फूलमालाओं से राहुल यादव फाजिलपुरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया। हाजी जान मोहम्मद ने बताया कि आज छोटे से बुलावे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर राहुल यादव का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ साथ मेवात से 70% वोट देकर मेवात से भारी मतों से जिताने का भरोसा भी दिलाया। हाजी जान मोहम्मद और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल यादव से कहा कि ज्यादा मेहनत यादव बेल्ट में कीजिए, मेवात की जनता तो आपको जिताकर भेजने वाली है। राहुल यादव जेजेपी प्रत्याशी ने मेवात के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि इस बार इस 70 साल से काबिज बुजुर्ग को सत्ता से हटाकर दम लेना है ताकि मेवात का चहुमुखी विकास हो। आगे फाजिलपुरिया ने राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मेवात की जनता ने आपको 20 साल दिए, आपने मेवात की जनता को क्या दिया, ये सवाल मेवात के लोगों को पूछना पड़ेगा, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। इस बार उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना होगा ताकि लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह मुक्त हो। राहुल यादव ने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके बीच गरीब परिवार से चलकर आया हूँ, यादव समाज और 3600 बिरादरी का समाज सब मेरे साथ है। अगर आपने मुझे इस बार मौका दिया और हमेशा आपके बीच रहूंगा और आपकी हर जन समस्याओं को आपके हित की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर लड़ने का काम करूंगा। देखिए रिपोर्ट। प्रधान जी, आज जेजेपी पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंगर, यहाँ आज बड़कली चौक पर अपने कार्यालय पर आज आप लोगों ने मीटिंग भी की है, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो आपने मुझे से पूछा। आज हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं राहुल भाई का प्रोग्राम था, मेवात का कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली उन्होंने और आगामी 24 तारीख को अजीत दिग्विजय चौटाला जी मेवात आ रहे हैं के प्रचार के लिए। तो क्या लगता है जो गुरुग्राम लोकसभा में इस बार तब्दीली होगी, भाई जेजेपी अपने आपको कहाँ देखती है गुरुग्राम लोकसभा में? जेजेपी ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल जो प्रत्याशी उतारा है जेजेपी ने, ये सबके छक्के छुड़ा रहा है। ये प्रत्याशी ऐसा उतारा है, ये कई लाख वोटों से जीत रहा है और मेवात में मेवात वाले इसको पलकों पर बिठा रहे हैं। बहुत एक आध 100 गाँव में एक मोहर लगेगी इसमें। अच्छा, जे उत्साह की नज़र से देख रहे हैं इसे। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, बहुत अच्छा इलाके की मांगों को उठाएगा संसद में। और जेजेपी पार्टी तो हमेशा से ही मेवात को अपना परिवार मानती है और मेवात के हिसाब से, मेवात के तालमेल के हिसाब से बहुत अच्छा प्रत्याशी मेवात के लिए दिया है। तो कोई आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया होगा, क्या क्या मेन मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? पार्टी का तो अभी कोई घोषणा पत्र आया नहीं, जब आएगा वो आपके सामने रहेगा। बल्कि समस्याओं का तो यहाँ अंबार लगा हुआ, बाढ़ लगी पड़ी अंबार लगा हुआ है। समस्याओं के लिए ही हम इस प्रत्याशी को लेकर आए हैं, ये समस्याओं को निपटाएगा, कामों को कराएगा। बहुत अच्छा प्रत्याशी है, यूथ में इसकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। ये सर, लोगों की बार बार ये आवाज़ रही है कि मरोड़ा कट को लेकर और जो खूनी रोड जो है इसको फोर लाइन को लेकर, लेकिन बार बार लोग कहे जाते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। मरोड़ा कट ये सेंटर गवर्नमेंट का वे है और इसी में हमारे 20 साल से हमारा सांसद साहब हैं, आज तक उन्होंने इसको इस मुद्दे को नहीं उठाया, ना फोर लेन को उठाया, ना मरोड़ा कट को उठाया। 20 साल से हम बनाते आ रहे हैं उसी उसको और ये एक झटके में बना देगा, मरोड़ा कट हो या फोर लेन हो। इसीलिए हमें संसद में अपनी रहनुमाई वाला लीडर चाहिए, वो ये राहुल फाजिलपुरिया है जो हमारे लिए। प्रधान जी, बीजेपी की बात करें, 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, तो क्या कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं जी, पहले 85 पार, 75 पार, कहाँ 40 पा गए, तो 400 का मतलब 200, तो डबल तो लगता है। आप कह रहे हैं कि भाई 200 तो सीटें निकाल लेगी बीजेपी, आपको लगता है इतना? तो पब्लिक कह रही है जी, 200 से नीचे आएंगे, 200 का आंकड़ा ना छूरे, ये तो पब्लिक कह रही है, पब्लिक जवाब देगी। तो ये तो कितनी सीटें जीत रही है जेजेपी इस बार हरियाणा में?
क्या लगता है आपको? हरियाणा में तो आपके सामने है, पब्लिक से छुपा कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक वोट से जवाब देगी। आज जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे आए हैं, मौजूद लोग आए हैं, इलाके की सरदारी आई है, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक अपील करता हूं कि पार्टी ने हमें हमारा मन मुताबिक जो कैंडिडेट दिया है भाई राहुल फजीलपुरिया, बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, उसके लिए मैं वोट की अपील करता हूं। हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है कि आने वाली 25 तारीख को चाबी के निशान पर वोट का अपना अधिकार है, वोट देकर इसे फजीलपुरिया जी को सफल बनाए। हमारी लोकसभा में बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत अच्छे मन के, बहुत सच्चे हैं, पार्टी के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मेरी तो यही अपील है आपके माध्यम से समस्त मेवात वासियों से, पूरे गुड़गांव लोकसभा वासियों से।